ग्वालियर में आने वाले ग्राम बिलियो में विगत 75 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला करने वाले शासकीय कर्मचारी हैं जो प्रतिवर्ष रामलीला में अपना योगदान करते हैं। समस्त नगरवासियों द्वारा मंचन को देखने के लिए अलग ही उत्सुकता दिखाई देती है। रामलीला मंडल के वरिष्ठ कलाकार श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि रामलीला विगत 75 वर्षों से चल रही है। इसका मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाता है। नगर के युवा बच्चे भी रामलीला मंचन में विभिन्न स्वरूपों का अभिनय करते हैं और वरिष्ठ कलाकारों द्वारा भी कई अभिनय किए जाते हैं। रामलीला में प्रभु श्री राम से लेकर रावण तक का चरित्र चित्रण स्थानीय कलाकारों द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाता है। नगर बिलुआ में रामलीला में रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 12 बजे तक श्री रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला की एक कमेटी गठित है जिसके संयोजक श्री हरगोविंद भार्गव, मोहनलाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी, रामलीला मंडल के अध्यक्ष श्री कांत शर्मा है। मंडल के कई अन्य कलाकार अशोक भार्गव, आनंद शर्मा, सुशील चौरसिया, मनोज आचार्य, रामकिशन चौरसिया, व्यास शंकर शर्मा, हर्षित पाठक, अभिषेक पाल, दर्शन चौरसिया, तरुण भार्गव, अभिषेक भार्गव, अभिषेक शर्मा आदि द्वारा अभिनय किया जाता है जो कि वर्षों से रामलीला का काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, हम अभी बिलुआ में मौजूद हैं। हमारे साथ रामलीला के वरिष्ठ कलाकार आनंद शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी बताइए, आप इस रामलीला के बारे में कितने वर्षों से चल रही है, क्या क्या किन किन लोगों द्वारा इनमें अभिनय किए जाते हैं? ये रामलीला विगत 75 वर्षों से नगर बिलुआ में निरंतर होती चली आ रही है और यहाँ पर इस गांव के जो नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा ये इसमें अभिनय होता है। यहाँ के स्थानीय कलाकार दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर के अपना रामलीला पर मंचन करते हैं और उसमें श्री सुशील चौरसिया जी हैं जो राम जी का अभिनय कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा जी हैं वह भी अभिनय करते हैं और श्री श्रीकांत शर्मा जी हैं वह भी इस रामलीला में अभिनय करते हैं, श्री मनोज आचार्य जी इस रामलीला का अभिनय करते हैं और हमारे रामलीला के डायरेक्टर श्री हरगोविंद भार्गव जी जिसके मार्गदर्शन में हमारी यह रामलीला विगत वर्षों से चल रही है और यह हम प्रतिवर्ष बड़े बाजार जो रामलीला मैदान है उसमें इस रामलीला का आयोजन होता है और यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा इसका मंचन किया जाता है। शर्मा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके नगर में रामलीला होती है उसमें जनता का रुख क्या रहता है? नगर के स्थानीय लोग जो हैं वो रामलीला देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमारे जो कलाकार हैं, हमारे वरिष्ठ कलाकार श्री रामकिशन चौरसिया जी हैं, उनका पूर्ण सहयोग रहता है। हमारे जो वाद्य यंत्र वाले हैं वो सब स्थानीय रहते हैं और जैसा कि आपने बताया कलाकार स्थानीय रहते हैं कि कुछ कलाकार बाहर से भी बुलाए जाते हैं? नहीं, बाहर से हम कोई कलाकार नहीं बुलाते, सभी कलाकार हमारे स्थानीय रहते हैं। बाहर से बस जो डांसर वगैरह होते हैं उन लोगों को हम यहाँ पर बुलाते हैं, उसके अलावा बाहर का कोई कलाकार नहीं होता। सभी कर्मचारी हैं जो इसमें काम करते हैं रामलीला में, उनका एक ये आस्था है रामलीला के प्रति उन लोगों की और गांव का एक ये कार्य है जो निरंतर हम करते रहते हैं। धन्यवाद। जीते हमारे साथ आनंद शर्मा जी जो कि रामलीला के वरिष्ठ कलाकार हैं। धन्यवाद।